नमस्कार। पाकिस्तान आज आ सकता है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर। हालांकि मैं खुद बोल रहा था कि बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी असेसमेंट ये थी कि अभी तक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है उस पर विश्वास नहीं है पूरी वर्ल्ड को, और पाकिस्तान वहां क्या क्या हेरा फेरी करेगा इस पर भी किसी को विश्वास नहीं है। लेकिन पूरी वर्ल्ड ने ये सोचा, वर्ल्ड ने क्या, वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूरोप ने और अमेरिका ने ये सोचा कि पाकिस्तान को एक मौका दिया जाना चाहिए सुधरने का। बहुत पनिशमेंट मिल चुकी है, इकोनॉमी कंगाली पे जा चुकी है, इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने और अमेरिका ने शायद एक मौका दिया है। ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। ये अभी तक ये खबर पब्लिक डोमेन में नहीं है कि वो बाहर आ चुका है, अभी तक डिक्लेरेशन हुआ भी नहीं है। अगले एक डेढ़ घंटे में, दो घंटे में डिक्लेरेशन हो सकता है। डिक्लेरेशन के बाद ही ऑफिशियल हुआ आएगा। अभी भी वहां पर डिसीजन लिया जा चुका है, लेकिन अभी भी एक और खबर आने की वजह से अब भी फिर से बातचीत चल रही है। वो कौन सी खबर है? वो खबर ये है कि एक आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की, जो कि लश्कर का डिप्टी चीफ है, इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन लाए थे इंडिया और अमेरिका दोनों ज्वाइंट रेजोल्यूशन 1 जून को, इसी साल 1 जून को, अभी कुछ दिन पहले, 16 दिन पहले। इस रेजोल्यूशन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रखा गया था, ये यूएन की अलकायदा और आईएसआईएल सैंक्शंस कमेटी है, जो कि जिसको ये भी बोला जाता है 1267 कमेटी, इसके सामने बोला गया था कि इस मक्की को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी डिक्लेयर किया जाए। डिक्लेयर नहीं किया गया है अब तक। इस पे चाइना ने होल्ड लगा दिया है। क्यों होल्ड लगाया? क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये आतंकवादी पाकिस्तान बेस्ड है और पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान खुद इसमें कुछ नहीं कर पाया, द रीजन बीइंग के खुद ही एफएटीएफ में फंसा था, बाहर निकलना था। हीना रब्बानी खर, इनकी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, वो वहां पे पहुंची हुई हैं। एफएटीएफ के सेशन जो इस समय बर्लिन में चल रहा है, वहां पहुंची हुई हैं। वो खुद इसको ओवरसी कर रही हैं कि वो बाहर निकले। बातचीत, नेगोशिएशंस बहुत तगड़ी चली हैं। चाइना गए थे इनके फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका गए थे बातचीत करने के लिए। ये बोला हमें एक मौका और दे दो, इनके एम्बेसडर्स लगे हुए थे सारे के सारे, मौका देने की बात हुई। वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी बोला ठीक है मौका देते हैं, शराफत में रहना, लेकिन शराफत में कहां रहेंगे। मक्की पे चाइना भी हेराफेरी कर रहा है। चाइना क्यों करेगा? चाइना को क्या मतलब? पाकिस्तान इंडिया का मामला है, चाइना क्यों घुसेगा? पाकिस्तान ने चाइना से बोला होगा ना कि हमारे मक्की को बचाओ, तब वहां पे चाइना घुसा होगा। और चाइना बिजनेसमैन है, चाइना काम करता है बिजनेस की तरह, बिल्कुल सूदखोर की तरह। चाइना अपना पैसा देखता है। यहां पे चाइना ने दोस्ती निभाई है, वही समुद्र से गहरी दोस्ती और हिमालय से ऊंची दोस्ती और शहद से मीठी दोस्ती, वो दोस्ती निभाई है और निभा करके बचा लिया पाकिस्तानी आतंकी को। इंडिया और अमेरिका के इस सेटबैक को अमेरिका कैसे लेगा और इंडिया कैसे लेगा, दोनों के दोनों बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इससे पहले भी हिस्ट्री है चाइना की कि चाइना पाकिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट करता रहा है। चाइना के पास खुद के पास भी आतंकवाद है, खबर आती नहीं, लेकिन वहां भी हमले होते हैं और ऐसे होते हैं कि चाइनीज भी हिल जाते हैं। चाइना पाकिस्तान को ब्लेम भी कर चुका है, मुशर्रफ के दौर में ब्लेम भी कर चुका है कि आपकी वजह से हमारे पास आतंकवाद आ रहा है। मक्की पर, मक्की के खिलाफ कॉन्क्रीट एविडेंस था पूरी वर्ल्ड के पास। इंडिया और अमेरिका दोनों दे चुके थे कि मक्की आतंकी फंडिंग में है और मक्की रेडिकलाइज कर रहा है लोगों को, यूथ को रिक्रूट कर रहा है और इंडिया पर हमले कर रहा है, खासतौर से जम्मू एंड कश्मीर में। इसलिए मक्की जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान तो का तो इंटरेस्ट है ही इसमें, साथ में चाइना इसमें घुसा, और साथ ये जो मक्की है, ये मक्की एक तो लश्कर का और दूसरा जमातुद्दावा का, दोनों का पोर्टफोलियो होल्डर रहा है, दोनों की टॉप लीडरशिप में रहा है अभी। इसको, मक्की को पाकिस्तान खुद, भले एफएटीएफ के प्रेशर में, पाकिस्तान खुद जेल में डाल चुका है, सजा हो चुकी है। जिस आदमी को उसी के कंट्री ने, जिस कंट्री का वो है, जिस कंट्री में वो रह रहा है, उसका उसी के कंट्री ने अगर सजा दे रखी है, तो चाइना कौन होता है इसको टेक्निकल होल्ड में डालने वाला। खैर, चाइना के अपने चल रही थी, चला गया। अब टेक्निकल होल्ड में जाने के बाद मक्की 6 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी डिक्लेयर नहीं हो सकता, लगभग 6 महीने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मक्की ने क्या क्या किया, मक्की कहां कहां आतंक में रहा है। मुंबई पे जो हमला हुआ था 26/11, उस हमले में मक्की का हाथ साफ था। रेड फोर्ट पे, हमारे लाल किले पे जो हमला हुआ था दिसंबर 22, 2020, उसमें मक्की इन्वॉल्व था। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था,
यह हमला 1 जनवरी 2008 को हुआ था, इसमें मक्की का हाथ दिखा था। साथ में करण सेक्टर श्रीनगर में एक हमला हुआ था फरवरी 2018 में मक्की ज्यादा एक्टिव रहा है 2018, उसके बाद फिर फाइनेंसिंग के केस आ गए इसके ऊपर, ये पकड़ा गया, वरना उससे पहले बहुत एक्टिव था। और अरेस्ट होने के बाद फिर इसको जेल हो गई वहां पे पाकिस्तान में, करण नगर श्रीनगर में वहां पे किया। फिर उसके बाद खानपुरा बारामूला में इसने 2018 में ही हमला कराया, श्रीनगर में 2018 जून में हमला कराया, गुरेज बांदीपुरा में इसने अगस्त 2018 में कराया। इतने प्रेशर के बाद 2018 पाकिस्तान उसके बाद ही उसके आसपास ही घुसा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ा मजबूरी में, अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए या डंडे के जोर पे, जो भी बोलिए आप इसको। पाकिस्तान ने इसको मई 15 2019 को अरेस्ट किया, 2020 में ये इसके ऊपर वो भी पड़ गया, इसके ऊपर इसको सजा भी हो गई, ये जेल में है इस समय। लेकिन चाइना ने इसे ब्लॉक करके, और पाकिस्तान की वजह से ब्लॉक किया होगा ना, अकेले तो ब्लॉक नहीं किया है, पाकिस्तान के कहने पर ब्लॉक करके ये तो पता लग गया कि ये अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आता है तो पाकिस्तान करेगा क्या। नहीं सुधरा है पाकिस्तान, वेस्टर्न कंट्रीज इसको मौका दें। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि अगर इस बार ग्रे लिस्ट से बाहर आया और कोई काम नहीं किया तो वापस ग्रे लिस्ट में जा सकता है, हो सकता है ब्लैक लिस्ट में भी चला जाए। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी बहुत सोच समझ के, पाकिस्तान की सरकार को भी बहुत सोच समझ के इस पर काम करना पड़ेगा। हालांकि चाइना शुरुआत से मक्की पे ही नहीं, अजहर मसूद पे भी इन्होंने हर बार ब्लॉक करने की कोशिश की, हर बार इंडिया के उसको इंडिया के जो मुहिम थी आतंकवादियों को कर्टेल करने की, आतंकवादियों को रोकने की, उस पर इन्होंने हेरा फेरी करने की कोशिश की। लेकिन इंडिया और अमेरिका दोनों कमिटेड हैं। अभी करीब 12 घंटे पहले का एक स्टेटमेंट है जो बाइडेन का कि हम इंडिया को पूरी हेल्प करेंगे, उन्होंने ये नहीं बोला कि किस चीज पे इंडिया को पूरी हेल्प करेंगे। सिर्फ आतंकवाद पे ये वो नहीं था, ये डिसीजन नहीं था, ये स्टेटमेंट सिर्फ आतंकवाद पे नहीं था, ये स्टेटमेंट इकोनॉमिक फ्रंट पे भी था, ये स्टेटमेंट डिफेंस फ्रंट पे भी था। और दोनों कंट्रीज आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इंडिया भी अपनी अपने फील्डिंग लगा के बैठा है कि आतंकवाद जैसे ही आएगा उसको निपटा दिया जाएगा। साथ में पाकिस्तान के ये जो भाड़े के आतंकवादी हैं, इनसे निपटने के लिए इंडिया ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी ली है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये आ जाते हैं और आकर हमले करते हैं। आतंकवाद आज तक रुका नहीं है, एफएटीएफ ने क्या सोचा किसी को नहीं पता। एफएटीएफ ने बोला हमें, मतलब सोचा है, अभी तक कहीं पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं है। एफएटीएफ के अंदर के सोर्सेस बता रहे हैं कि एक मौका देना चाह रहे हैं, इसकी इकोनॉमी टूट चुकी है, इसकी इकोनॉमी बेटर हो जाए। और साथ में अमेरिका और दूसरे कंट्रीज ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये चाइना के कैंप से निकल के वेस्टर्न कैंप में आ जाए। लेकिन एक चीज, ये कुत्ते की दुम है, ये सुधरने वाली नहीं है, ये सीधी होने वाली नहीं है, ये नहीं आएगा चाइना के कैंप से बाहर, और ना ये आतंकवाद को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि आतंकवाद से बहुत पैसा आता है जिसका अकाउंट्स में कहीं जिक्र नहीं होता, और उस पैसे का एम्बेजलमेंट यानी कि उस पैसे का स्कैम, उस पैसे का घपला करना बहुत आसान होता है, जिससे कि फार्म हाउसेस खरीदे जा सकते हैं पाकिस्तानी आईएसआई के ऑफिसर्स के और पाकिस्तानी लीडर्स के, और मकान खरीदे जा सकते हैं और बच्चे फॉरेन में पढ़ सकते हैं। यही असलियत है, और सबको पैसा प्यारा है। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।